दोस्तों नमस्कार, कृष्णा जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स के साथ मैं उपस्थित हूँ। यह करंट अफेयर्स अगस्त मंथ का है, जो कि काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है। और यह करंट अफेयर्स आपको आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स। रमन मैग्सेसे अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? इसका आंसर है रवीश कुमार। रवीश कुमार जो कि टीवी एंकर हैं, वे युवाओं को आवाज़ देने के लिए एवं पत्रकारिता का दुहन के खिलाफ अभियान चलाने के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। और जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो फिलीपींस की सरकार देती है। क्वेश्चन नंबर दो, क्रिसिल ने बीत वर्ष 2019-20 के लिए भारत के जीडीपी में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है 6.9%। पहले जो क्रिसिल जो रेटिंग एजेंसी है, ये जीडीपी के बारे में बताया था कि 7.81% रहेगा, लेकिन इस 7.1% को घटाकर 6.9% बताया है। और क्रिसिल के एमडी एवं सीईओ आसू सुयस हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान क्या है? इसका सही आंसर 7वीं। ठीक है, अभी जो जीडीपी के आधार पे वैश्विक रैंकिंग में 7वीं स्थान है। और यह जो रैंकिंग है जो वर्ल्ड बैंक देता है, और पहला स्थान है जो यूएसए का है, दूसरा स्थान है जो चाइना का है, और भारत का स्थान है जो 7वां है। और विश्व बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मलपास हैं, और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार, किस राज्य सरकार ने सेफ ग्रीन स्टे क्लीन अभियान का शुरुआत किया है? तो इसका आंसर जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पश्चिम बंगाल। और सेफ ग्रीन स्टे क्लीन का उद्देश्य है हरियाली के संरक्षण एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक जागरूकता अभियान है। क्वेश्चन नंबर पाँच, भारत का वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है राजीव कुमार। और राजीव कुमार को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि भी वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। क्वेश्चन नंबर छः, भारत गौरव पुरस्कार से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है कपिल देव। और कपिल देव ही हैं जो सर्वप्रथम भारतीय क्रिकेट में विश्व कप जो भारत जीता था, तो इन्हीं के कैप्टनशिप में जीता था। क्वेश्चन नंबर सात, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया? इसका आंसर है पिंगली वेंकैया। और पिंगली वेंकैया को हाल ही में 2 अगस्त का जन्मदिन भी था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिंगली वेंकैया के जो डिजाइन किए हुए झंडा को 1931 में स्वीकार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ, भारतीय सेना के अगले DGMO किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसका आंसर है परमजीत सिंह। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है DGMO, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। अभी वर्तमान में अनिल चौहान है जो DGMO हैं, लेकिन सितंबर माह में उनका एक तरह से परमजीत सिंह है जो उनका स्थान लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नौ, रसद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस देश के बीच हुआ? इसका आंसर है भारत और नेपाल के बीच में रसद शिखर सम्मेलन हुआ। और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी ओली, और वहां के राष्ट्रपति हैं विंध्या देवी भंडारी। क्वेश्चन नंबर 10, मिस डेफ वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? तो विदिशा बाल्यान, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, और विदिशा बाल्यान है जो मिस डेफ वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती है। और डेप मीन्स होता है बहरा। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो मनुष्य तस्करी के खिलाफ जो विश्व दिवस है वो 30 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका आयोजन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। और मनुष्य तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाने का उद्देश्य है जागरूकता फैलाना। क्वेश्चन नंबर 12,
रसगुल्ला मिठाई को GI टैग किस राज्य को मिला है? तो इसका आंसर है उड़ीसा राज्य को, ठीक है। और उड़ीसा रसगुल्ला विश्व प्रसिद्ध है, जो भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, सातवीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत भारत के किस राज्य से किया जा रहा है? तो जो आर्थिक जनगणना है, जो 5 वर्ष में किया जाता है, हर एक प्रति 5 वर्ष में किया जाता है, और आर्थिक जनगणना का शुरुआत है जो असम राज्य के गुवाहाटी से किया जा रहा है। अभी वर्तमान में सांख्यिकी मंत्री हैं जो राव इंद्रजीत सिंह हैं, और सांख्यिकी मंत्रालय को ही यह जिम्मा दिया गया है कि आर्थिक जनगणना करे। क्वेश्चन नंबर 14, कहाँ 5वां धर्मधम सम्मेलन हुआ? तो है राजगीर, राजगीर है जो बिहार में है, और यहाँ पे 5वां धर्मधम सम्मेलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, पाकलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है गिरीश बापट को, और गिरीश बापट को पाकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और पाकलन समिति संसद का एक वित्तीय समिति है, और गिरीश बापट को ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इन्हें नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 28 जुलाई, और इसके पीछे कारण 28 जुलाई मन के पीछे कारण है नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग का जन्मदिन इसी दिन को 28 जुलाई को ही था, और इन्होंने हेपेटाइटिस बी का वायरस का खोज किया था, और साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी का टीका भी विकसित किए थे। क्वेश्चन नंबर 17, गीता जयंती महोत्सव भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है हरियाणा, और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिए थे, और इसी के चलते गीता जयंती महोत्सव है जो हरियाणा में होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस खिलाड़ी ने जर्मन ग्रांड प्रिक्स जीता? इसका आंसर है मैक्स बरस्ता पेन, और यह एक प्रकार से कार रेसिंग प्रतियोगिता है, ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता कार रेसिंग प्रतियोगिता है, और जर्मन ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता है जो मैक्स बेरेस्टापेन, और मैक्स बेरेस्टापेन है जो रेड बुल टीम से हैं। क्वेश्चन नंबर 19, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2020 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो गुवाहाटी में किया जाएगा, गुवाहाटी है जो असम राज्य में पड़ता है, और वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू हैं। क्वेश्चन नंबर 20, BSF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो जो BSF के जो महानिदेशक BK जौहरी को नियुक्त किया गया है, BK जौहरी पहले भारतीय रा के अधिकारी थे, और BSF का मुख्यालय नई दिल्ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, RBI ने हाल ही में किस बैंक पर 50 लाख का जुर्माना लगाया? इसका आंसर है PNB पंजाब नेशनल बैंक, और अभी वर्तमान में PNB के प्रबंध निदेशक सुनील मेहता हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, RBI ने चीन के किस बैंक को नियमित बैंकिंग सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ चाइना, इसका मतलब हुआ बैंक ऑफ चाइना भारत में है जो बैंकिंग सेवा देगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस पहली महिला विदेश मंत्री का निधन हो गया? आंसर है सुषमा स्वराज, और सुषमा स्वराज जो कि दिल्ली की प्रथम मुख्यमंत्री भी बनी थी, और वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी? इसका आंसर है सेरेना विलियम्स, सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिकन खिलाड़ी है और टेनिस खेलती है, और फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी, जबकि दूसरा महिला खिलाड़ी नोआमी असोका है जो कि जापान की है, और भारत की PV सिंधु सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय खिलाड़ी है।
क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्षगांठ कब मनाया गया? इसका आंसर है 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था और उस समय महात्मा गांधी का प्रमुख नारा था अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 4, किसे मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब मिला? तो आंसर है नाज जोशी। मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी है जो हिजड़ा लोग को दिया जाता है, ट्रांससेक्सुअल लोग को दिया जाता है, और मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी है जो सौंदर्य प्रतियोगिता है और लगातार तीसरी बार भारत की जो नाज जोशी हैं वो मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी अवार्ड जीती है। क्वेश्चन नंबर 5, नाखून से भी लाख गुना पतला सोना का क्या नाम है? तो उसका नाम है 2D, और जो 2D जो है वह 2 परमाणु की मोटाई के बराबर है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि सोना है जो धातु है और सोना में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है जिसके चलते सोना को पतला चादर की तरह बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने नाबुधम योजना की शुरुआत किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। और नाबुधम योजना जो है वो बीमार पड़े सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को पुनर्जीवित करना है और वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं बीबी हरिचंदन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना किया गया? तो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित जो न्यायाधीश की संख्या है वो 33 है, पहले इसकी संख्या 30 था। संसद ने एक विधेयक पारित करके सर्वोच्च न्यायालय की संख्या को बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में रेपो दर कितना है? तो ये वर्तमान में जो रेपो दर है 5.40% है और रेपो दर उस दर को कहा जाता है जिस दर पर बैंक RBI से, RBI अर्थात सेंट्रल बैंक से उधार लेता है और RBI का मुख्यालय है जो मुंबई है और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, IIT मद्रास समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए किसे मदद करेगा? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। और समुद्र से है जो एक तरह से बिजली पैदा किया जाएगा उसकी लहर से और IIT मद्रास है जो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, 24 घंटा नेफ्ट NEFT की सुविधा कब से उपलब्ध होगी? तो सुविधा नेफ्ट की सुविधा जो कि 24 आवर मिलेगा वो दिसंबर 2019 से मिलेगा और नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और इसमें 2 लाख से कम अमाउंट को आप पैसा को ट्रांसफ़र है जो नेफ्ट के जरिए किया जाता है जबकि 2 लाख से अधिक का राशि जो फंड ट्रांसफ़र होता है वो RTGS से किया जाता है। तो नेफ्ट को है जो दिसंबर 2019 से 24 घंटा यह सेवा है जो उपलब्ध रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस फिल्म निर्देशक का निधन हो गया? इसका आंसर है J.O.M. Prakash और J.O.M. Prakash का पूरा नाम है J.O.M. Prakash और J.O.M. Prakash के बारे में कहा जाता है कि वह राजेश खन्ना एवं जितेंद्र को अभिनेता बनने में काफ़ी मदद किए थे। उनकी जो महत्वपूर्ण फिल्म J.O.M. Prakash का है आई मिलन की बेला, आए दिन बाहर के, साबन झूम के और आसपास इत्यादि प्रमुख फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 12, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा है जो दिवस है जो 6 अगस्त को मनाया जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को प्रथम परमाणु बम हिरोशिमा में गिराया गया था।
उसी के याद में हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। और नागासाकी जो कि जापान का ही प्रमुख नगर है, वो है जो 9 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि अमेरिका है जो सर्वप्रथम हिरोशिमा में बम गिराया था और उसके बाद नागासाकी शहर में बम गिराया था, जिसका परिणाम अभी भी उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, किस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन में मंजूरी दी गई है? तो योजना का नाम है फेम, FAME। फेम का फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और जब इलेक्ट्रिक बस जो चल रही है, इसके चलते CO2 का उत्सर्जन कम होगा, और CO2 जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख गैस है, और CO2 के चलते जो पृथ्वी का तापमान है जो बढ़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक बस चलेगी इससे है जो तापमान में वृद्धि में कमी देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा राज्य शिशु स्तनपान में शीर्ष स्थान पर रहा? तो जो शिशु स्तनपान में शीर्ष स्थान रहा वो है मणिपुर, और सबसे निचला पायदान पे जो शिशु स्तनपान में रहा वो है बिहार, और मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, और वहाँ के राज्यपाल हैं PB आचार्य पद्मनाभम बालकृष्ण आचार्य। क्वेश्चन नंबर 15, बलबन यासीन और घेम मिसाइल का अनावरण किस देश में किया गया? तो यह मिसाइल है जो ईरान में किया गया, और जैसा कि आप बलबन को जानते हैं, बलबन है जो एक भारतीय राजा था, गुलाम वंश, जब दिल्ली सल्तनत में एक राजा का नाम बलबन था, वह गुलाम वंश का राजा था, और उसी के नाम पे है जो ईरान में है जो मिसाइल का अनावरण किया गया है, बलबन यासीन और घीम। और ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, और राजधानी है तेहरान, और मुद्रा है रियाल। क्वेश्चन नंबर 16, समग्र जल सुरक्षा अभियान का शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो है HRD मिनिस्टर, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, और वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं। और जो ये योजना है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान, इसमें शिक्षा के जरिए जल के महत्व का बताया जाएगा, लोगों को विद्यार्थी को जागरूक किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में किन दो नदियों के अंतक्षेपण परियोजना की मंजूरी मिली है? तो बिहार में जो दो नदी हैं जिसे आपस में जोड़ा जाएगा वह नदी है कोसी और मेची नदी। कोसी और मेची को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि सिंचाई में सुविधा हो सके, और केन और बेतवा को भारत में सर्वप्रथम बार जोड़ा गया था, और यह केन और बेतवा है जो भारत का सबसे बड़ी नदी जोड़ने वाली परियोजना थी, जबकि कोसी और मेची नदी है जो दूसरी नदी जोड़ने वाली परियोजना है, और यह बिहार के CM है जो नीतीश कुमार हैं, और बिहार के राज्यपाल फागु चौहान है। क्वेश्चन नंबर 18, करेंसी मैनिपुलेटर का लेबल चीन को किस देश ने दिया? तो दिया है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका का डॉलर को चाइना ने बहुत हद तक गिरा दिया, मतलब मुद्रा जो डॉलर का जो मूल्य था, वैल्यू था, उसे गिराने में गिराया है, इसी के चलते अमेरिका ने चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर का संज्ञा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, लगातार 7वीं बार हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो जीते हैं 7वीं बार लगातार में लुइस हैमिल्टन, और लुइस हैमिल्टन है जो मर्सिडीज टीम से बिलोंग करते हैं, और यह जो ग्रांड प्रिक्स जो प्रतियोगिता होता है वह कार रेसिंग प्रतियोगिता होता है। क्वेश्चन नंबर 20, पोलैंड ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो भारतीय खिलाड़ी महिला खिलाड़ी हैं, उनका नाम है विनेश फोगट,
और ये पोलैंड ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में जो स्वर्ण पदक जीती है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 का घोषणा हुआ है और उस घोषणा में बेस्ट फीचर फिल्म जो दिया गया है वो हलोरो को दिया गया है। हलोरो जो है गुजराती फिल्म है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर हैं वो आदित्य धर को घोषित किया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। और आदित्य धर हैं जो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के निर्देशक हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में आयुष्मान खुराना को दिया गया है, आयुष्मान खुराना के अंधाधुन फिल्म के लिए दिया गया है। और साथ में एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में दिया गया है विक्की कौशल, और विक्की कौशल हैं जो उरी फिल्म बनाए हैं, उरी फिल्म के अभिनेता हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के द्वारा दिया गया है वह कृति सुरेश, जो कि महांती के लिए दिया गया है, महांती फिल्म कृति सुरेश को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, बीसीसीआई ने किस एंटी डोपिंग एजेंसी को के दायरे में आने के लिए सहमत हो गया है, तो वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, और बीसीसीआई के जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उसे परीक्षण के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जो जांच करेगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि धारा अनुच्छेद जो होता है 370 एवं 35 ए के हटने से भारत में जो राज्यों की संख्या 28 हो गई है एवं केंद्र शासित प्रदेश हो गया है 9, 28 राज्य, पहले 29 राज्य था, इसमें जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश से APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है के सिवान, और के सिवान वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यह पुरस्कार तमिलनाडु की सरकार देती है, APJ कलाम पुरस्कार। और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं AK पलानी स्वामी, और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और आपके लिए जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो कि काफ़ी ही एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है उसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं पलानी स्वामी, तो अभी स्वामी किसे नाम से याद रखिए, और राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित, इन्हें पुरोहित के नाम से याद रखिए। और ट्रिक है इसका, स्वामी बनने का इच्छा से पुरोहित के पास गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर है विंग कमांडर अभिनंदन। और हाल ही में जो बालाकोट हवाई हमले के बाद भारतीय और पाकिस्तानी वायुसेना के बीच हवाई हमले के दौरान उनके जो विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 गोली लग जाने के कारण गिर गया था, जब गिरते ही वक्त उनका जेट पाकिस्तान का AF-16 लड़ाकू विमान को गिरा दिया। और जो वीर चक्र पुरस्कार है वो महावीर चक्र से वरीयता के क्रम में नीचे आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वैश्विक निवेशक के सम्मेलन की मेजबानी भारत में कहाँ होगा, इसका आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर के बारे में आपको मालूम होगा, श्रीनगर है जो अब केंद्र शासित प्रदेश है, और इस सम्मेलन का उद्देश्य है जम्मू कश्मीर को अपनी शक्ति रणनीति और क्षमता दिखाने की अपार अवसर मिलेगा, और साथ ही साथ बाहरी व्यापारी के मन से जम्मू कश्मीर में जो डर है शंका है उसे भी दूर होगा, जिसके चलते व्यापारी लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में निवेश कर सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोटरसाइकिल पर यात्रा करते समय कितने साल के ऊपर बच्चों को हेड गियर अनिवार्य कर दिया गया है, तो हेड गियर का मतलब होता है हेमलेट, तो 4 साल या 4 साल से ऊपर के बच्चों को हेमलेट है जो अनिवार्य कर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, T20 फिजिकल डिसेबिलिटी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का खिताब किस देश ने जीता। तो T20 जो फिजिकल डिसेबिलिटी जो वर्ल्ड कप है उसका खिताब है जो भारत जीता। और डिसेबिलिटी का मतलब होता है शारीरिक रूप से अक्षम। और इसका आयोजन है जो डिसेबिलिटी वर्ल्ड कप का आयोजन है जो इंग्लैंड और बेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, आदि महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया। तो इसका आंसर है लेह लद्दाख। और लेह लद्दाख के बारे में जानते हैं कि हाल ही में इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। इसके पहले यह लेह लद्दाख है जो जम्मू कश्मीर राज्य का अंग था। और यह जो महोत्सव है आदि महोत्सव, यह लेह लद्दाख का पारंपरिक कला हस्तशिल्प शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, NIHFW के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो पहले आप फुल फॉर्म देख लीजिए NIHFW। N का मतलब होता है नेशनल, I का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ, H का मतलब होता है हेल्थ एंड F का मतलब होता है फैमिली वेलफेयर। और इसके जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं हर्षद पांडुरंग ठाकुर को नियुक्त किया गया है। और NIHFW संस्था है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, किसे अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। ऐसे भी अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री को ही नियुक्त किया जाता है। और यह परिषद है जो राज्यों के विवाद पर जांच एवं सलाह देने के लिए कार्य करता है। और इनका जो सलाह होता है और जांच होता है वो एक प्रकार से सर्वोपरि होता है। उनकी सलाह है जो राज्य को मानना ही मानना है। और साथ ही साथ अंतर्राज्यीय परिषद है जो राज्यों के कानून एवं कार्यवाही करने के लिए भी स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु मुद्दे पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया जाएगा। तो अभी हाल में ही 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी है जो घोषणा किए थे कि तीनों सेना के प्रमुख से ऊपर एक पद का सृजन किया जाएगा। और उस पद का नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इसे शॉर्ट फॉर्म में CDS भी बोल सकते हैं। सी का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। और यह जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद है वो तीनों सेना के प्लानिंग खरीद प्रशिक्षण और रसद का मैनेजमेंट करेगा। और साथ ही साथ यह प्रधानमंत्री के परमाणु मुद्दे पर सैन्य सलाहकार की तरह भी कार्य करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जूनियर विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो जूनियर विश्व चैंपियनशिप का खिताब है जो दीपक पुनिया है जो पहलवान हैं और 18 साल से नीचे की ही उम्र के हैं। और इन्हें जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप का खिताब मिला है। इन्होंने रूस के अलिक से जुबकोब को हराकर यह खिताब जीते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान का शुरुआत किसने किया। तो यह शुरुआत किया है RPF। RPF का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और रेलवे परिसर में नो पार्किंग क्षेत्रों में लंबी अवधि के लिए पार्क किए गए सभी वाहन की पहचान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, AAA के एथलीट आयोग में भारत के किस धावक को सदस्य बनाया गया है। तो AAA का फुल फॉर्म होता है एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन। और जो बनाया गया है एथलीट आयोग के जो सदस्य भारत की ओर तरफ से बनाया गया है वह PT उषा। और PT उषा जाने माने भारतीय धावक थी। और इन्हें दूसरी बार एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार के लेखक कौन हैं। जो श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार के लेखक हैं सत्यार्थ नायक। और सत्यार्थ नायक का जो यह पुस्तक है श्रीदेवी के बारे में विस्तार पूर्वक उनकी जीवनी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है घोटू राम कहाँ के राजदूत नियुक्त किए जाएंगे। इसका आंसर है कांगो गणराज्य। और कांगो गणराज्य है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। और कांगो गणराज्य की राजधानी है ब्राजाविल।
और वहाँ की जो मुद्रा है कांगोलेस फ्रैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, मिशन रिच आउट का शुरुआत कहाँ हुआ? इसका आंसर है जम्मू। और आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए हट समाप्त कर दिया गया है और वहाँ पे धारा 144 लागू है, जिसके चलते लोग हैं जो बाजार में बहुत ही कम आ जा सकते हैं। और इस मिशन रिच आउट का उद्देश्य है बुनियादी आवश्यकता जैसे भोजन, आवास, ये सबको पूरा करने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जापान को पसंदीदा व्यापार देश की सूची से किस देश ने हटाया है? तो यह देश है दक्षिण कोरिया। यदि नक्शा पे देखिएगा तो दक्षिण कोरिया और जापान आसपास के ही देश हैं। अब कह सकते हैं कि दक्षिण कोरिया है जो जापान का पड़ोसी देश है और दक्षिण कोरिया है जो जापान को पसंदीदा व्यापार देशों की सूची से बाहर कर दिया है। और दक्षिण कोरिया ने जो कारण बताया है कि संवेदनशील सामग्रियों को निर्यात करने का अंतर्राष्ट्रीय नियम का पालन है जो जापान नहीं कर रहा था। और जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है जापानी येन, जबकि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और मुद्रा है दक्षिण कोरियाई बॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। और डॉक्टर विक्रम साराभाई के हाल में ही स्वामी जयंती मनाया गया था और हाल में ही चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 के जो लैंडर था, लैंडर का नाम भी इन्हीं के सम्मान में विक्रम रखा गया है। और अभी वर्तमान में इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है और इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवान, जिन्हें हाल ही में APJ कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1 जून 2020 से भारत में किस योजना का शुरुआत किया जाएगा? इसका आंसर है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इत्यादि राज्यों में इसका एक तरह से काम जारी है और 1 जून 2020 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान है। पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर किस देश ने निर्माण किया है? इसका आंसर है रूस। और जो परमाणु रिएक्टर है इसकी जो क्षमता है 35 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा और यह जो परमाणु रिएक्टर है जो आर्कटिक बंदरगाह से रवाना किया गया है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और रूस की राजधानी मॉस्को और रूस की मुद्रा रूसी रूबल है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम्स पत्रिका के 100 महानतम स्थानों में भारत के किन 2 जगहों को शामिल किया गया? तो जैसा कि मालूम होगा टाइम पत्रिका अमेरिका का एवं विश्व का सबसे ही प्रतिष्ठित पत्रिका है और भारत का 2 महानतम स्थान है। पहला है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है और दूसरा है सोहा हाउस जो कि मुंबई में है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ही ऊँची मूर्ति है और सोहा हाउस की छत पर से अरब सागर तक दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस वित्त मंत्री का निधन हुआ जिन्होंने नोटबंदी एवं GST लागू किए? मतलब इनके कार्यकाल में वित्त मंत्री के रहते हुए नोटबंदी और GST लागू किया गया। तो आंसर है अरुण जेटली। और अरुण जेटली को दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में निधन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले फिल्म अभिनेता कौन हैं? तो इसका आंसर है अक्षय कुमार। और फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार भारत का सबसे कमाई करने वाले अभिनेता हैं अक्षय कुमार और अक्षय कुमार का जो सालाना इनकम है 650 लाख। और दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले फिल्म अभिनेता ड्वेन जॉनसन हैं जिनका कमाई लगभग 900 लाख प्रतिवर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को हाल ही में ब्लैक लिस्ट में डाला है?
तो इसका आंसर है पाकिस्तान। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, और हाल ही में है जो FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला है। इसके पीछे कारण है पाकिस्तान आतंकवाद वित्त पोषण में तो आतंकवादियों को मदद करता था, और ब्लैक लिस्ट में डालने के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB इत्यादि वित्तीय संस्था से पैसा मिलने में दिक्कत होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। विश्व का सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? तो इसका आंसर है भारत। और SO2 जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, इससे श्वसन संबंधी समस्या आती है। और भारत में जो SO2 का जो उत्सर्जन हो रहा है, इसके पीछे प्रमुख कारण है कोयला खनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। महात्मा गांधी सरबत सेहत बीमा योजना किस राज्य सरकार का पहल है? इसका आंसर है पंजाब। और इसकी विशेषता है, इस योजना के द्वारा लाभार्थी को 5,00,000 रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और वहां के राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है जो 21 अगस्त को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत है जो अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में किए थे। और जो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने का उद्देश्य है कि वरिष्ठ नागरिक की परिस्थितियों के बारे में जाने और उनको सहायता पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में उदय एक्सप्रेस का परिचालन किन दो जगहों के बीच किया जा रहा है? इसका आंसर है विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा। और जो उदय एक्सप्रेस है, डबल डेकर AC ट्रेन है, और इस ट्रेन में वाईफाई की सुविधा एवं डिस्प्ले स्क्रीन भी लगाया गया है। पहला उदय एक्सप्रेस कोयम्बटूर से बेंगलोर के बीच चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 10। बाबर 373 मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया? तो इसका आंसर है ईरान। और जैसा कि मालूम होगा, जो भारत में मुगल वंश के संस्थापक का नाम भी बाबर था, और इसी बाबर के नाम से ही ईरान में है जो बाबर 373 मिसाइल का अनावरण किया गया है। ये बाबर 373 है जो ईरान की पहली घरेलू उत्पादित लंबी दूरी का मिसाइल है। और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, राजधानी वहाँ का तेहरान है, और मुद्रा है रियाल। क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट रूप टॉप सोलर अट्रैक्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर है कर्नाटक। मतलब कर्नाटक के प्रत्येक घर में है जो सोलर प्लेट छत पे लगाया हुआ है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा हैं, और वहाँ के राज्यपाल हैं बजूभाई बाला। क्वेश्चन नंबर 12। तंबाकू पैक पर स्वास्थ्य चेतावनी का नया संदेश क्या लिखा हुआ है? इसका आंसर है टोबैको काउज पेनफुल डेथ। इसका मतलब हुआ, तंबाकू से आपको दर्दनाक मौत होती है। और वर्तमान में केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। डिस्कवरी एवं WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन किस वन को संरक्षित करने के लिए साझेदारी की है? तो इसका आंसर है सुंदरबन। और सुंदरबन के पास ही सुंदरबन डेल्टा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, और उसी डेल्टा पर सुंदरबन है। और इस अभी वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और वहां के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, क्योंकि सुंदरबन है जो वेस्ट बंगाल और दूसरे देशों में पड़ता है, बांग्लादेश में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किसे केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है, जो केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है, अजय कुमार भल्ला को। क्वेश्चन नंबर 15। अमेजन ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया? इसका आंसर है हैदराबाद। और अमेजन है जो ऑनलाइन
रिटेल कंपनी है और अमेजन के सीईओ अभी जेफ बेजोस हैं। और अमेजन है जो अमेरिका की कंपनी है और इसकी मुख्यालय सिएटल में है, जो कि अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय को पुष्किन पदक 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं जेएनयू के प्रोफेसर मीता नारायण को, ठीक है। और ये जो पुष्किन पदक जो मिला है मीता नारायण को, रूसी अध्ययन में उत्कृष्ट योगदान के लिए, और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजीव गांधी खेल रत्न से किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है बजरंग पुनिया, जो कि कुश्ती खिलाड़ी हैं। और दूसरा जो राजीव गांधी खेल रत्न मिलेगा वो दीपा मलिक को, जो कि पैरा एथलीट। किस सरकार ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर 12 अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर दिल्ली सरकार है। और जो डेंगू मच्छर है उसका प्रजनन है जो स्वच्छ पानी में होता है। इसी के चलते दिल्ली सरकार का अपील है कि प्रत्येक रविवार अब जो जहां पे भी स्वच्छ पानी का जमाव है उसे हटा दें, ताकि डेंगू मच्छर का प्रजनन न हो सके। और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और वहां के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर है फ्रांस। और G7 है जो वर्तमान में वैश्विक GDP का 46% प्रतिनिधित्व करता है। और G7 के जो सदस्य देश हैं वो टोटल 7 हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान एवं जर्मनी है। और मोदी सरकार को भी फ्रांस ने इनवाइट किया था G7 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के किस वन में 20% शुद्ध हवा एवं शुद्ध जल है? इसका आंसर है अमेजन वर्षा वन, ठीक है। और अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। और यह जो वन है उष्णकटिबंधीय वन है, और यह जो वन है जो 9 देशों में फैला हुआ है, और वह देश हैं ब्राज़ील, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गिनी, गुआना, पेरू और सूरीनाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रूस का फेडोर रोबोट कहाँ पहुँचा? इसका आंसर है ISS, ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और यह जो स्टेशन है यह कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। और वहाँ पे रूस ने फेडोर रोबोट को भेजा है ताकि अंतरिक्ष का अध्ययन कर सके। और यह जो कृत्रिम उपग्रह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से इसकी कुल ऊंचाई 330 से 435 किलोमीटर तक है, क्योंकि पृथ्वी हमारी पूर्ण रूपेण गोल नहीं है। और यह अंतरिक्ष स्टेशन ISS लगभग 92 मिनट में एक बार पृथ्वी का परिक्रमा कर लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, RBI भारत सरकार को कितना रुपया देगा? इसका आंसर है 1.76 लाख करोड़। और भारत सरकार 1.76 लाख करोड़ को भारत के सार्वजनिक बैंक में डालेगा ताकि बैंक की स्थिति सुधर सके। और वर्तमान में भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने घोषणा की है कि सार्वजनिक बैंकों को विलय किया जाएगा, और विलय के बाद मात्र 4 बैंक रह जाएंगे। RBI का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून का है, और RBI का मुख्यालय मुंबई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किए गए महत्वपूर्ण वैश्विक पुरस्कार का सूची, तो हम आपको एक सूची दे रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पुरस्कार मिला है। तो पहला जो पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, और यह पुरस्कार है जो नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात UNO ने प्रदान किया था, और यह पर्यावरण पुरस्कार है।
दूसरा जो पुरस्कार है सियोल शांति पुरस्कार, यह पुरस्कार साउथ कोरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया था और यह शांति पुरस्कार है। अगला अवार्ड देखते हैं ऑर्डर ऑफ जायेद पुरस्कार, यह जो यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने प्रदान किया, और ऑर्डर ऑफ जायेद पुरस्कार है जो संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार है। अगला पुरस्कार ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज सास, और यह पुरस्कार है जो सऊदी अरब ने नरेंद्र मोदी को प्रदान किया, और यह भी सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार सऊदी अरबिया का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय, तो इसका आंसर है पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु है जो भारतीय सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है, और पीवी सिंधु ने जापान के ओकुहारा को पराजित करके विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डुरंड कप 2019 किस राज्य ने जीता, तो है जो केरल ने जीता है, और डुरंड कप है जो एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है, और डुरंड कप का पहला आयोजन 1888 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका आंसर है पीटर बेकर, और जैसा कि मालूम होगा कि बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, और पीटर बेकर ने ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री में ओबामा के राष्ट्रपति कार्यकाल के समय जो कार्य हुआ था उसे चित्रण किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। शूटिंग वर्ल्ड कप में किस भारतीय को एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो एयर पिस्टल में जो स्वर्ण पदक है जो अभिषेक वर्मा को मिला, और यह प्रतियोगिता है जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कहाँ की डिंडीगुल के ताले को GI टैग मिला, इसका आंसर है तमिलनाडु, और हाल फिलहाल में आप रसगुल्ला के बारे में भी देखे थे कि रसगुल्ला जो GI टैग है जो किस राज्य ने मिला था, उसी प्रकार से डिंडीगुल ताले है जो तमिलनाडु का सुप्रसिद्ध ताला है, और इस ताला को बेहतर गुणवत्ता और स्थायित्व के लिए जाना जाता है, और तमिलनाडु का मुख्यमंत्री AK पलानी स्वामी, और वहां के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बाक टू बर्क अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, तो इसका आंसर है मेघालय, और हाल ही में नरेंद्र मोदी की सरकार फिट इंडिया मूवमेंट का आंदोलन चलाया है, और इसी के तहत मेघालय सरकार ने बाक टू बर्क अर्थात काम पे जाने की जगह है जो आप पैदल जाइए ताकि आपका स्वास्थ्य जो सही रह सके, और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगवा हैं, और वहां के राज्यपाल तथागत राय हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के किस अभयारण्य में विशेष टाइगर फोर्स का गठन किया गया, इसका आंसर है कार्बेट नेशनल पार्क, और कार्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे ही पुराना नेशनल पार्क है, और कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और वहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। थैंक यू फ्रेंड।